राम के बाद दो बार जीते हैं बीजेपी से, तो कहाँ कुछ करे, सब विक्रम देने कर रहे हैं, पाली देने कर रहे हैं, इन्हें कहाँ आए, कहीं भेट कर जीत के जाते हैं तो कहीं आते हैं, कभी नहीं। सारा इंडिया के पेमेंट है, आज तक अमित शाह बोले थे कि अथी के बाद 45 दिन के ऑनलाइन या अप टू डेट कीजिए, पेमेंट करावेंगे, अभी तक एक रुपया नहीं दिए हैं। जी बोले हैं, यही पर हम टीवी पर देख रहे हैं कि अब हम लिखित दे रहे हैं सब कैसे करेंगे, तो वही पर हुआ कि पहले से जहिया से कहें तो पूरा किए हैं, और फिर वोट में जी कहते हैं कि सब हम पूर्ति करेंगे, अब पूर्ति हो ही नहीं रहा है। मेरे पास आज तक न कार्ड है न राशन मिलता है, यही समझिए, राशन लागी दरखास्त देते देते थक गए, आज तक नहीं राशन हमको मिलता है, न बच्चा को हमको मिलता है, न बच्ची के मिलता है, न हमको मिलता है। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। देखिए, हम पटना के पुनपुन इलाके में है जो पाटलिपुत्रा लोकसभा में आता है, यहाँ से दो कैंडिडेट हैं, एक रामकृपाल यादव और दूसरे मीसा भारती जो लालू जी की बेटी है। अब लोगों से जानेंगे कि यहाँ कितना विकास हुआ है, इस बार क्या मुद्दे हैं, लोगों को किनको वोट डाल रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ एक चाय की दुकान है, वहीं पे कुछ लोग हैं। कहा जाता है कि चाय की टपरी से राजनीति की शुरुआत होती है, तो हम कुछ लोग हैं उनसे जुड़ेंगे। क्या क्या नाम हुआ चाचा? राम प्रवेश। किसको वोट कर रहे हैं, क्या इस बार मुद्दे? देखिए, बोलना ना चाहिए कि मुंड आवेगा जिसको दे देंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, बोलिए। इसलिए सहारा इंडिया के पेमेंट है, आज तक अमित शाह बोले थे कि अथी के बाद 45 दिन के ऑनलाइन या अप टू डेट कीजिए, पेमेंट करावेंगे, अभी तक एक रुपया नहीं दिए हैं। एक रुपया नहीं है। स्टाफ के 12 लाख सहारा इंडिया के स्टाफ था, बेरोजगार हो गई है, हम लोग वही में काम करते थे, कौन आधार पर अथी किया जाए, बेरोजगारी है, यह है, बहुत समस्या है। मोदी जी कह रहे हैं कि गरीबों को राशन फ्री दे रहे हैं। राशन से मान लीजिए कि सहारा इंडिया छोटा मोटा तो कंपनी आप जानते होंगे भैया, छोटा वो 12 लाख कार्यकर्ता खट रहा था, हम लोग आज बेरोजगार हो गए, एक एक रुपया वाला मर रहे हैं, जो पीएफ वीएफ कटल है फंड वहू नहीं मिल रहा, कोई देखने वाला कोई नहीं है, कौन आधार पर वोट? बढ़िया तो सब कुछ कर रहे हैं, बाकी रोजगार होना चाहिए, लेकिन फैकन के ना नौकरी जो है, ये बेचारा मीडियम साइड में सब अपना अपना वोट वही पर ना मिलता है। तो इस बार लालू जी को वोट करेंगे? ना बताएंगे, नहीं बताइए, कहे नहीं बताइए, ना भीतर भीतर देखिए सर, समय बताएगा वोट में। देखिए, ये के वैल्यू है, वो ओपनिंग नहीं करेंगे कि हम ललटेन में देंगे कि आरजेडी के देंगे कि यह देंगे। क्या क्या नाम हुआ चाचा आपका? है क्या नाम हुआ? हमारा नाम है राजेंद्र मिस्त्री। मेरे पास आज तक न कार्ड है न राशन मिलता है, यही समझिए, राशन लागी दरखास्त देते देते थक गए, आज तक नहीं राशन हमको मिलता है, न बच्चा को हमको मिलता है, न बच्ची के मिलता है, न हमको मिलता है। आज 5 साल से हम अप्लीकेशन देते देते थक गए, हमको आज तक राशन कार्ड नहीं मिला, न राशन मिलता है, हम लाचार होकर छोड़ दिए कि जाओ नहीं देता है तो मत। शिकायत करने पे भी कोई समाधान नहीं, कोई समाधान नहीं हुआ। किसको वोट करेंगे इस बार? ये हम न फरियाएंगे किसको वोट देंगे, वो तो समय बताएगा। मुद्दा क्या रहेगा आपका? मुद्दा क्या रहेगा, क्या मांग करेंगे सरकार से, क्या मुद्दे मांगे हैं? कहे ना, हाँ वो तो टीवी पर हम रोज देखते हैं, 10 रुपये पहले कहे ना कि लिखित दिए हैं कि सब हम अब लिखित दे रहे हैं, समय के अनुसार तो लिखित के अनुसार काम करते हैं, वो 10 बरी पहला ही 15 बरी सब कहे हैं कि हम यही करेंगे वो करेंगे। हाँ, मोदी जी बोले हैं, यही पर हम टीवी पर देख रहे हैं कि अब हम लिखित दे रहे हैं सब कैसे करेंगे, तो वही पर हुआ कि पहले से जहिया से कहें तो पूरा किए हैं, और फिर वोट में जी कहते हैं कि सब हम पूर्ति करेंगे, अब पूर्ति हो ही नहीं रहा है। दो बार से रामकृपाल यादव आपके क्षेत्र में सांसद रहे हैं, क्या विकास हुआ है? रामकृपाल जी, रामकृपाल जी हमारे क्षेत्र में है भाई, वो तो हम लोग के अच्छी है, जाने पहचान कर भी, तो वो मोदी जी के ही तो पार्टी से है, तो वो जो हम पार्टी अपट वो न जानते हैं, पार्टी तो मोदी जी के बहुत है, बाकी समय पर
मोदी जी गड़बड़ा जैसे कह के अब वोट ले लेते के बड़ी छे ऐसी कर रहे हैं आते हैं क्षेत्र में आते हैं कृपाल जी नहीं आते हैं कभी नहीं आते क्षेत्र में ना इस क्षेत्र में कभी नहीं आए आज तक नजर भी नहीं देखे हैं। हाँ उन्ने वहाँ जाते हैं विक्रम पाली होते नवतपुरी सवन अपना इलाका में बाकी इन्ने आज तक नहीं देखे हैं उनको कभी नहीं। कैंडिडेट तो बड़ा बढ़िया थे बाकी एक दिन नहीं आया क्षेत्र में कि का प्रॉब्लम है का नहीं है कुछ नहीं आया। अच्छा नीतीश कुमार कह रहे हैं कि लालू जी परिवार बात कर रहे हैं इस बार मीसा भारती आपके क्षेत्र। देखिए कोई है मीसा भारती बेचारा कितना अथी सवन कर रहा है नीतीश बाबू कह रहे हैं कि इतना ही सवन करे से कौन देर कर रहे कोई बच्चा पैदा करना तो ये सवन गलती सब देना बोलना चाहिए। मीसा भारती के मीसा भारती को अब तो आरजेडी सपोर्टर लग रहा है शुरू से ही है। क्या लालू जी में अच्छा लगता है क्या काम किया है काम को अभी उनको सरकार नहीं है तो काम को जी करेंगे अपने जब उनका सरकार था तब क्या अच्छा लगा क्या काम तो वो घड़े मुझे याद नहीं था फिर तो किस मुद्दे पे वोट करेंगे लालू जी को किस मुद्दे पे वोट करेंगे मीसा भारती के जीतवाना है जो जरूरी है उनको मीसा भारती को आपकी दम फैलन है राम कृपाल यादव को क्यों नहीं राम कृपाल दो बार जीते हैं बीजेपी से तो कहाँ कुछ करो सब विक्रम देने कर रहे हैं पाली देने कर रहे हैं एने कहाँ आए कहीं भेट कर जीत के जाते हैं तो कहीं आते हैं कभी नहीं जीतने के बाद कभी नहीं आते हैं। देखिए हमारे साथ हम एक चाय की टकरी पे थे और हमारे साथ पाटलिपुत्र लोकसभा की कुछ जनता थी इन्होंने अपना राय रखा बाकी इस पूरे वीडियो में क्या प्रतिक्रिया आपकी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं साथ ही इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए डेमोक्रेटिक चरखा को ज़रूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद।